हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कामकाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोटी मेकिंग के पूरे सेटअप के बारे में। रोटी मेकिंग एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको तीन अलग अलग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये पहली मशीन है, यह है आटा मिक्सिंग मशीन। ये मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। आटा डालने के बाद में आपको आटे के हिसाब से ऑयल डालना होता है मशीन में। ऑयल डालने के बाद में आप ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरीके से घूमकर आटा मिक्स कर रही है। पानी अच्छे से ऐड हो जाने के बाद में इसके नीचे जो गोल ब्रेक दिया गया है, आपको उसको गोल घुमाना है और उसके बाद में जो ये बॉल है वो स्टॉप हो जाएगा रोटेट होना, और जो इसके अंदर का प्रोपेलर है वो घूमता रहेगा और ऐसे ही घूमते हुए वो आपको आटा गून करके देगा। मशीन से आटा गूनने का आपका बेनिफिट ये होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा आटा गून करके मशीन देती है। हाइजीनिक आपको आटा गून करके देती है क्योंकि उसमें किसी आदमी का हाथ नहीं लगा होता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये मशीन काम कर रही है, और जो कि इतना सारा आटा हमने इसमें डाला है गूंदने के लिए, आटा मिक्सिंग के लिए, लेकिन उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत फास्ट काम कर रही है। लगभग हमारा 50% काम आटा मिक्स होने का हो चुका है और बस अभी देखेंगे हम कुछ ही देर में पूरा आटा मिक्स हो करके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे आटा मिक्स हो रहा है एकदम अच्छी तरीके से। फिर भी अगर आपको लगे कि पानी कम हो गया है तो आप पानी और भी ऊपर से अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आटा आपका मिक्स हो करके रेडी हो चुका है एकदम परफेक्टली। अब इस आटे को हम हमारे सेकेंड स्टेप में लेकर के जाएंगे, जो रोटी बनाने की मशीन का सेकेंड स्टेप है वो है मिक्स किए हुए आटे के बॉल्स बनाना। अब इसमें से पहले हम आटा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं आपको मशीन बंद करने के बाद में इस तरीके से मशीन में से आटा निकालना है। ये मशीन घर के बिजली पर ऑपरेट होती है, इसलिए आप इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर से भी आप अपना काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आटा कितने कम समय में ये मशीन ने हमको मिक्स करके दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी था। अब इस गूने हुए आटे को हम इस बॉल कटिंग मशीन में, या फिर डो बॉल मेकिंग मशीन हम कह सकते हैं, आटा बॉल मेकिंग मशीन में हम डालेंगे। इसके ऊपर जो आप डब्बा देख पा रहे हैं उसको हॉपर कहा जाता है, जो स्टेनलेस स्टील का होता है। उस डब्बे में आपको ये मशीन को पहले तो स्टार्ट कर देना है, और मशीन स्टार्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से हॉपर में आटे को अच्छी तरीके से प्रेस करना है। बात को ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि बॉल्स के बीच में गैप ना रह जाए। तो अभी आप देखेंगे ये मशीन कैसे बॉल बनाएगी। ये लगभग सेम साइज़ के आपको बॉल्स काट करके देगी ताकि आपके जो चपातियाँ हैं वो एक ही साइज की बन सके। आप देख सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस अगर हम हाथ से करें, या फिर मैं कहूँ कि आटे के जो बॉल्स बनाने के जो प्रोसेस है या फिर जो प्रोसीजर है वो अगर कोई इंसान करने बैठेगा तो भाई इतने देर में तो कभी नहीं बना पाएगा। आप देख सकते हैं मशीन कितना फास्ट काम कर रही है और कितने सारे आटे के बॉल्स बस कुछ ही सेकेंडों में हमें बना करके दे रही है। अब इसके बाद में हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, इन बॉल्स को हम रोटी मेकिंग मशीन में डालेंगे। ये फाइनल स्टेप है हमारा द रोटी मेकिंग मशीन। इसको आपको स्टार्ट कर देना है। इसका कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। आप आराम से इस मशीन से एक दिन में कई सारी रोटियां आप आराम से बना सकते हो।
आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी और कितनी मतलब दिखने में भी खूबसूरत ये मशीन है। इसका ये डोर है, इसको आपको ओपन करना है। नीचे कैबिनेट में आपको मशीन का पूरा सिस्टम मिलेगा। आपको आपको बर्नर्स ऑन करने हैं, जो लाल वॉल्स थे वो बर्नर्स के थे। फिर बाद में आपको लाइटर से बर्नर को लिट करना है। एक के बाद एक आप एक एक वॉल ऑन कीजिए और बर्नर को ऑन कीजिए। देख सकते हैं आप अंदर का मैकेनिज्म कैसा है एक चपाती बनाने का, किस तरीके से आपकी रोटी बनकर आएगी वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये मशीन के सारे बर्नर्स ऑन हो गए हैं और मशीन पूरी तरीके से अब गर्म हो चुकी है और रोटी बनाने के लिए रेडी है। ये मशीन के साथ में मतलब आप ये मशीन खरीद करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका होटल वगैरह हो, रेस्टोरेंट हो, तो वहाँ आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका मैन पावर बहुत ही मतलब घटा देती है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं उसमें से आपको आटे के बने हुए बॉल्स डालना है और वो तुरंत नीचे से फिर आपको चपाती बना करके देगा। आप चपाती की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी रोटी ये मशीन आपको बना करके देती है। एकदम सर्कुलर, जो शायद ही हाथ से इतनी सर्कुलर आप बना सको, मशीन आपको इतनी अच्छी रोटी बना करके देती है। इस मशीन को आप गुरुद्वारा या फिर कोई एनजीओ को आप डोनेट भी कर सकते हैं। बाकी ये मशीन के स्कूल, बोर्डिंग्स, हॉस्टल्स, कैंटीन्स, मिलिट्री कैंटीन्स, ऐसी कई सारी जगहों पर ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैटरर्स भी इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक रोटी आपको बना करके देती है कम टाइम में, विदाउट ज़्यादा आपका मैन पावर खर्च किए। अभी आप देखेंगे कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया रोटियां यहाँ से निकल रही है बनके। आप देख सकते हैं कि एकदम मतलब फूली हुई एकदम ज़बरदस्त रोटियां आपको यहाँ पर मिलेगी। और कितने जल्दी जल्दी आपको कितनी अच्छी रोटियां मिल रही है, मतलब हाइजीनिक खाना, और वो भी इतना जल्दी बना हुआ आपको शायद ही कोई आपको बना करके दे सकता है। दोस्तों इस मशीन को खरीद करके आप भी रोटी चपाती मेकिंग जो है उसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। आप रोटी चपातियां बना करके आप बेच सकते हो। जो रोटी और चपातियों की, तो आप जानते हो कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत रोटियां लोग पसंद करते हैं खाने में। अगर आपका कोई कैटरर्स का बिजनेस है या फिर आप कोई बोर्डिंग चलाते हो, हॉस्टल चलाते हो, हॉस्टल रन करते हो आप, हॉस्पिटल्स में ये मशीन इस्तेमाल की जाती है, ये मशीन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मंदिर वगैरह में आप इसको डोनेट कर सकते हो और एनजीओस को आप ये मशीन डोनेट कर सकते हो कि मतलब मैन पावर आपका घट जाएगा, आपको हाइजीनिक रोटियां, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में तो हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है खाने में, तो आपको हाइजीनिक खाना मिलेगा और आपको क्वालिटी में भी अच्छा फूड आपको खाने को मिलेगा। तो ये मशीन यूज़फुल है, बहुत अच्छी है। तो आप देखिए इस मशीन से कैसे चपातियाँ बन रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको अगर ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये मशीन कैसी लगी। यूनिक बिज़नेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।